तो अब क्या है हमारा, वाटर एंड रफेज। तो वाटर रफेज क्या होता है, रफेज होता है हमारा फूड का पार्ट। द पार्ट ऑफ द फूड द वी कैन नॉट डाइजेस्ट इज कॉल्ड फाइबर और रफेज, यानी कि फूड का ऐसा पार्ट जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे रफेज। डाइजेस्ट यानी कि जिसे हम पचा नहीं सकते, ऐसा कुछ फूड फूड का पार्ट होता है जिसे हम पचा नहीं सकते, वो होता है हमारा फाइबर और रफेज। ठीक है, एट से पहले सेवन, ठीक है। तो इट हैज़ नो फूड वैल्यू, और इस हम कह सकते हैं इसमें कोई फूड की वैल्यू, यानी कि इसे हम फूड मान नहीं सकते, एज इट इज़ नॉट यूज बाय द बॉडी। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये बॉडी से बॉडी द्वारा यूज़ नहीं होता। अगर बॉडी द्वारा यूज़ नहीं होता तो उसे खाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ, इट्स अ वेस्टिंग वेस्टिंग फूड, और हम कह सकते हैं यूजलेस फूड। बट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी, ठीक है, यहाँ तो काम आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में काम आता है। वेस्ट यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट होता है, जो भी डाइजेस्ट होने के बाद जो बचता है उसे रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। एंड इट एब्जॉर्ब वाटर एंड एड्स टू द सो दैट द फूड इज़ ईजली डाइजेस्ट। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके साथ मिक्स होके फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि डाइजेस्ट करने में भी ये मदद कर रहा है। तो ये यानी कि यूजलेस फूड तो नहीं होगा, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता है। नाइन से पहले एट, तो जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, एप्पल्स हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रीन्स हो गए, इनमें काफ़ी सारा फाइबर होता है, तो इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव फूड भी कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए इन फूड को हम कंसिडर कर सकते हैं, जो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है कि जिसमें डाइजेशन नहीं होता है, जिसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, उसमें ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये सारे फ्रूट्स है, फाइबर्स होते हैं, रफेज हो गया, ये एक बार काफ़ी काम आने वाला है। हाँ, 13 से पहले 12, 1 to 12 है, 1 to 2, ठीक है। तो वाट, अब आते हैं हमारी बात वाटर की। वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी कि अब हमारा आता है वाटर। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फूड का, ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं आगे पेज में। वैसे मैं अपने घर पे जाऊंगी ना, अब क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है, विच इज मेड अप ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है वो 60 to 70% यानी कि आधे से ज़्यादा वाटर से बनी हुई है। हमारी बॉडी है कंप्लीट 60 to 70% वाटर से बनी हुई है, तो यानी कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, हमें 6 से 8 glass पानी पीना चाहिए रोज, ठीक है। इट हेल्प्स बॉडी टू यूज एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे, अच्छे से पानी पियेंगे पर्याप्त मात्रा में, तो हमारी जो बॉडी होती है उस वाटर को यूज़ करेगी, जो हम रोज़ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में पूरी बॉडी तक, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर सारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचनी चाहिए अच्छे से, तभी वो सारे बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम करेंगे। नहीं करेंगे तो मतलब एक बॉडी ऐसी, एक बॉडी का पार्ट्स ऐसा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, एक बॉडी का पार्ट्स अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको पूरी बॉडी का पार्ट्स, यानी कि अगर सपोज किसी का एक हाथ में दर्द होने लग जाता है, होता है कभी, किसी का यहाँ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना, तो यानी कि वो किसकी वजह से होता है, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, जो वो ढंग से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था। इस केस में बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों को पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 glass पानी पीना चाहिए, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, या तो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो पहुँच नहीं रहे, या तो न्यूट्रिएंट्स ले नहीं रहे। अगर न्यूट्रिएंट ले रहे फिर भी हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, इट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग इनफ वाटर, यानी कि हम सही मात्रा में पानी नहीं ले रहे हैं। तो
तो फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर्स हो गया, कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर। फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, इसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो इसे लेना रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा भी। और हेल्थ जो है, हेल्थ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब बता, फोर से पहले क्या था बाबू? थ्री, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी आर, वी हैव लर्नड इन दिस क्लास। हमने क्या पढ़ा इसके बाद, इस वीडियो में? वाटर एंड रफिश। भैया फाइन, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।